जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो बुलेट पर। जी हाँ साथियों, आज से हम अग्निवीर की लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। दोस्तों हमारा मॉडल पेपर आज फेस्ट होगा। दोस्तों आज से कंटिन्यू लाइव क्लास, रोज एक मॉडल पेपर आपको कराया जाएगा। तो चैनल पर जो भी नए हैं मेरे भाई, तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन दबा के रखे। दोस्तों आपको अग्निवीर का सारा टॉपिक वाइज आपको अलग अलग क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये आपका फेवरेट एजुकेशन चैनल आपको जीत जरूर दिला के रहेगा। दोस्तों तो चैनल पे अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अग्निवीर के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे, हारे थे। तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर अहमद शाह अब्दाली सी हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा शिमला। क्या होगा, शिमला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये कौन से नेता ने कहा था। दोस्तों कौन से बुजुर्ग ने यह कहा था, इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा शेर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है जो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडले, दुबई। कहाँ पे है, दुबई, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान है जो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, राइट आंसर क्या होगा, सॉरी ए हो जाएगा, बेंगलोर। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामायण ग्रंथ किसने लिखा। रामायण ग्रंथ है जो किसने लिखा था, दोस्तों वाल्मीकि, वेदव्यास, सूरदास, कालिदास, किसने लिखा था मेरे शेर, इसका राइट आंसर होगा ए, वाल्मीकि ने लिखा था रामायण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर है जो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोणार्क में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वे कौन सा ऐसी देश है जहाँ मुर्दा रुपया है, मुर्दा है जो रुपया है। दोस्तों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा वह ऐसे कौन सा देश होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा नेपाल। क्या होगा, बी हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का आधारिक नाम क्या है। कोरोना वायरस का आधारिक नाम क्या है, दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर, कोविड 19। क्या होगा, कोविड 19 होगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी। मेरे शेर शानदार गीत है, इसकी रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने की थी, सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। गीता है जो किसके द्वारा लिखी गई थी मेरे शेर, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, वेद व्यास ने लिखी थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना है जो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाबर ने की थी। किसने की थी, बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध कामाख्या जो देवी का मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है मेरे शेर, तो वो असम में है। कहाँ पे है, असम में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे शेर, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा होता है? सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा होता है? जो अग्निवीर बनेगा उसको पता होना चाहिए मेरे शेरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, अशोक चक्कर। अशोक चक्कर है जो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अग्निवीर के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से लेकर आते हैं दोस्तों। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? जो सबसे भारी किरण होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, एल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो से संपन्न है। किससे संपन्न है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। किससे संपन्न होती है? रक्त से उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। और इसका राइट आंसर होगा लोहा। राइट आंसर क्या होगा? लोहा हो जाएगा मेरे शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र है। हाइड्रोजन गैस है जो, इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? विज्ञान का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा N2O, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्न में से वह कौन सी गैस है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। राइट आंसर मेरे शेर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। वाकिफ का जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, हम हारने वाले नहीं हैं, अग्निवीर बन के ही रहेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? कौन सा विटामिन है जिसे हड्डियों में मजबूती मिलती है? तो इसका राइट आंसर मेरे शेर क्या होने वाला है? डी हो जाएगा। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी से हड्डियों में मजबूती मिलती है। BCG का उपयोग किस रोकथाम के लिए किया जाता है? BCG का उपयोग है जो किस रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर? इसका राइट आंसर होगा तपेदिक। क्या होगा? सी हो जाएगा, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन शामिल होता है? पीतल में जो शामिल होता है, तो इन चार ऑप्शनों में से वो कौन है जो शामिल होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपके सी हो जाएगा, कॉपर और जिंक शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ है जो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख गठन है, घटक है? बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? मिथेन। डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडेलीव की आवर्त जो सारणी है जो किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परमाणु भार पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरे में विटामिन कौन सा है जो फुल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सी विटामिन है जो संतरे में पाया जाता है। बर्फ का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? बर्फ का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे शेर सी हो जाएगा। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस है। जब आप अग्निवीर बनोगे तो बर्फ में तो नौकरी करनी होगी, तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। देखे आपको पेपर में 5 सेकंड मिलता है, तो राइट आंसर सोचो, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताओ। देखे
तो इसका मेरे सर राइट आंसर मैं बता दूं आपको, कॉर्मियम कॉर्मियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है मेरे सर? इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? टेलीस्कोप। क्या होगा? टेलीस्कोप। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? मनुष्य के शरीर से किस अंग के द्वारा रक्त का शुद्ध किया जाता है? रक्त को साफ करके रक्त को फिल्टर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुर्दे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर? गुर्दे हो जाएंगे। तो क्लास अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।